जिस आसाम अकॉर्ड की बात की, उस आसाम अकॉर्ड का क्रियान्वयन कांग्रेस की सरकार ने कभी की? आज मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ 68 वर्षों में हमारे बॉर्डर को निर्धारित नहीं किया था। 2014 में जब प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली, एक साल के अंदर बांग्लादेश का बॉर्डर निर्धारित करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। अगर सच्चाई मैं बताऊं, प्लीज प्लीज उत्तेजित मत हो, उत्तेजित मत हो गौरव, नो नो, अगर बोलते हो तो सुनने की क्षमता रखो, सुनने की क्षमता रखो, बैठिए, जनता ने आपकी चिल्लाने को आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। सभापति महोदय, सभापति महोदय, नॉर्थ ईस्ट की सारी समस्या कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति के साथ शुरुआत हुई, जब उनको अपने फायदा नॉर्थ ईस्ट में विदेशी घुसपैठियों को अंदर लेकर उनको नागरिकता देने की काव्यात की शुरुआत और शरण और पहचान देने की काव्यात की शुरुआत। चार्जशीट सभापति महोदय बड़ी लंबी है। 1960 के दशक में जब मणिपुर में अलगावादी समूह ने हिंसा की शुरुआत की, जब वो जन्म हुआ तो वो कौन था जो उनके साथ बैठकर चर्चा करने के लिए तैयार था? वो कौन था जिन्होंने उनके साथ बैठकर समझौता किया? और आप भूल गए 1993 में जब 123 दिन मणिपुर जल रहा था, आपकी सरकार यहां भी थी, आपकी सरकार यहां भी थी, आपकी सरकार यहां भी थी और आपकी सरकार वहां भी थी। और आज आप मणिपुर के और आज सभापति महोदय अधीर दा उठकर कह रहे थे कि मणिपुर के सांसद क्यों नहीं बोले। उस समय मणिपुर का सांसद इस सदन में रोते रोते हुए उनका वक्तव्य क्या था इस संसद में मैं पूछना चाहता हूं। जब आपकी सरकार यहां भी थी और आपकी सरकार वहां भी थी, मणिपुर के सांसद ने इस संसद में 1993 में वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा, एंड आई कोट, द स्टेट गवर्नमेंट इज हेल्पलेस, इट हैज नो फंड्स, द स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट इवन अफोर्ड टू परचेस वेपन्स फॉर द सिक्योरिटी पर्सन्स टू फाइट द इंसर्जेंट्स। प्लीज ये सुनिएगा, प्लीज थिंक दैट मणिपुर इज अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री, इट अफेक्ट्स द होल नेशन। शायद कांग्रेस के नेता को इन शब्दों को सुनना चाहिए था कल यहां भाषण देने के पहले। मुझे आज सभापति महोदय मुजफ्फर वारसी जी की शब्द याद आती और मैं कोट करना चाहता हूं, औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी, औरों की ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरबान में झांका नहीं जाता। आज ये स्थिति उत्पन्न हो गई है। तथ्यों के आधार पर अगर हम बात करें, कल गृह मंत्री जी ने सदन में पूरा व्याख्यान दिया, इनके मंत्री संतरी न तंत्री एक बार भी मणिपुर गए। हमारे गृह मंत्री 3 दिन वहां रात दिन बिताए हैं, हमारे राज्य मंत्री ने 23 दिन, नित्यानंद राय जी ने मणिपुर में बैठकर स्थिति का जायजा लिया। आज राहत राशि वहां पहुंची है, अनाज पहुंचा है, वर्चुअल सिस्टम से स्कूल्स चल रही हैं, आर्मी की फोर्स पहुंची है, इवैक्यूएशन में हम मदद कर रहे हैं, जो भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और आंकड़े की आप बात करते हो तो आंकड़े की पुष्टि करो, ये पिछले 9 साल मणिपुर में सबसे शांतिपूर्ण समय रहा है इंसर्जेंसी के दृष्टिकोण से। आपके 10 साल से 3 गुना कम इंसर्जेंसी हुई है और 6 गुना कम सिविलियन डेथ्स आज मणिपुर में हुआ है।